गुड मॉर्निंग एंड ग्रीटिंग्स इन जीसस नेम। सुप्रभात और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। दिस इज मेडिटेशन टाइम। और ये मनन का समय है। एंड सो ऑन दिस न्यू डे लेट अस गिव आवरसेल्व्स अ फ्यू मिनट्स टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड हियर हिज वॉइस। और इसलिए कुछ क्षण के इस नए दिन में कुछ क्षण हम परमेश्वर के वचन को दें और उसकी वाणी उसके वचन से सुने। टुडे इज मेडिटेशन इज taken from the gospel according to St. John chapter 21 verses 15 to 19. और आज का हमारा मनन लिया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय 15वें वचन से लेकर के 19वें वचन तक। And so it will be read in Hindi. और हम इसे हिंदी में आपके लिए पढ़ेंगे। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है, और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांध कर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांध कर जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। आमीन। आमीन। May God's blessing be upon all of us as we meditate one thing from this passage. और होने दे परमेश्वर का आशीष हम सब के ऊपर हो जबकि हम इस वचन के इस भाग से अपने मनन को शुरू करते हैं। Jesus Christ asked this question to Peter 3 times. और प्रभु यीशु मसीह ने इस सवाल को पतरस से 3 बार पूछा। Do you love me more than these? क्या तू मुझसे इनसे ज्यादा प्रेम रखता है? And so I would like to consider with you 3 things from this passage. और इसलिए आज की सुबह वचन के इस भाग से मैं 3 बातों को आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। नंबर 1, पहली बात, इट कुड बी दैट जीसस माइट हैव बीन लुकिंग एट द बोट एंड इट्स नेट्स एंड अदर इक्विपमेंट्स। और ऐसा हो सकता है कि यीशु उस नाव, उसके जो यंत्र हैं और अन्य अन्य प्रकार के जाल और बातें, वस्तु जो उसमें पाई जाती है, उनकी ओर देखता है। And he also must have been looking at the catch of fishes. और वो दूसरे हाथ पर देखता होगा कि वो मछली जो उन लोगों ने पकड़ी थी। And said to Peter, और पतरस से कहा, Do you love me more than these? कि क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे प्रेम करता है? Are you prepared to give them all up? क्या तू तैयार है कि तू इन सब को त्याग दे? Finally, once and for all, और अंत में सब के लिए, that once and for all you give up, ताकि तू एक बार सब कुछ त्याग दे, abandon them all for my sake, और या उन सब को मेरे खातिर तू छोड़ दे, and then give yourself to my people, और खुद को मेरे लोगों के लिए दे दे, my sheep and my lamb, मेरे बच्चे, मेरे भेड़े और मेरे मेमने, and then to my work, और मेरे कार्य के लिए। These are the things that Jesus had in mind when he asked this question, Peter, do you love me more than these? और ये वो सवाल थे जो परमेश्वर के मन में थे, प्रभु यीशु के मन में थे, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से ये पूछा कि क्या तुम मुझसे इनसे ज्यादा प्रेम रखता है? You notice here, Jesus Christ considered his followers, his people,
as sheep and lamb. और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह अपने चरवाहों को, अपने लोगों को भेड़ों और मेमनों के समान जानता है. And so Jesus actually is asking Peter, "Are you willing to give up all and then give up yourself and totally dedicate yourself to doing my work?" और इसलिए प्रभु यीशु मसीह पत्रस से ये पूछना चाहता है कि तू इन सारी बातों को त्याग कर क्या खुद को पूर्ण रीति से मुझे समर्पित करके मेरे कार्य करने के लिए तैयार है? Perhaps Jesus was reminding Peter of what he once said. और यह हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह पत्रस को वो बात याद दिला रहे थे जो उसने पहले कही थी. And along with the other disciples, दूसरे चेलों के साथ. Once Peter said to Jesus, "We left all to follow you." पत्रस ने सारे चेलों के साथ मिलकर एक बात को कहा था कि हमने सब कुछ त्याग दिया ताकि तेरे पीछे चल सके. What will we get? हमें क्या मिलेगा? That's what he told. और यही उसने कहा था यीशु से. That's what he did initially. और ऐसा ही उसने शुरुआत में किया भी. But now, लेकिन अब, he was going through a few hours of uncertainty of life. और लेकिन अब वो जीवन के कुछ ऐसे समय से होकर के निकल रहा था जहां उसे नहीं पता वो क्या करे. And he gave up his dedication to Jesus. और उसने अपनी भक्ति को प्रभु यीशु मसीह के प्रति खो दिया. What he left to follow Jesus, he went back to those same thing. और जो प्रभु यीशु मसीह के को पाने के लिए जिन बातों का उसने त्याग किया था उन्हीं बातों को फिर से पाने के लिए वो निकल गया. Remember, he was a fisherman. याद रखिए वो एक मछुआरा था. And as fisherman, he had a boat. और एक मछुआरा होते हुए उसके पास नाव थी. And nets and other equipment. और उसके पास हर प्रकार के यंत्र और वो जाल थे. He left them all in order to follow Jesus. और उसने उन सारी बातों को छोड़कर, सारी वस्तुओं को छोड़कर यीशु के पीछे हुआ. In a moment of doubts and fears, he gave up everything, all his dedication, in order to follow Jesus. और अब उसने इस क्षण में अपने सारी बातों को छोड़ दिया, अपने उस भक्ति को छोड़ दिया जो जिसके लिए वो यीशु के पीछे चलता था. But that can happen to any one of us. और ये बात हम में से भी किसी के संग हो सकती है. In a moment of doubt, then that doubt will bring fears, and that fear will bring an uncertainty of life, and at that moment, our dedication is gone, our commitment is gone, our denial is gone, and we go back to those things that we have left. इस संदेह के क्षण में कई बार हमारे संग भी ऐसा होता है कि हमारी भक्ति चली जाती है, हमारा समर्पण चला जाता है और हम वापस उन बातों में हो लेते हैं जिन्हें हमने प्रभु यीशु के लिए त्याग दिया था. It can happen. और ये हो सकता है. So Jesus asked this question. और इसलिए यीशु ने इस सवाल को पूछा. We all have to face this question from Jesus. और हम सबको इस सवाल का सामना करना है प्रभु यीशु मसीह से. The second thing is, जो दूसरी बात है, it may be that Jesus was looking at the rest of the small group of disciples who followed Peter. और यह हो सकता है प्रभु यीशु मसीह उन चेलों के छोटे समूहों को देख रहा था जो पत्रस के पीछे पीछे यीशु के संग चल रहे थे. Peter, do you love me more than these other disciples? और वो पत्रस से ये पूछता है कि पत्रस क्या तो इन दूसरे चेलों से ज्यादा मुझसे प्रेम करता है? Because in Matthew chapter 26 verse 33, और क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और 23वें वचन में, Peter made a tall claim. क्योंकि पत्रस ने एक बड़े दावे को किया. And the claim said, और वो दावा था, Though all fall away on account of you, I never will. चाहे भले ही सब तुझे त्याग दें, लेकिन मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा. Perhaps Jesus was reminding Peter how once he had thought he alone could be true and how he had failed.
at that time. और वो पत्रस को याद दिलाना चाहता था, हो सकता है यीशु कि कैसे वो उस समय असफल हो चुका था. So in a moment of excitement and good things happening around us, we make lot of promises and lot of claims for the sake of Jesus. क्योंकि कई सारे उस रोमांच के बीच, साहस के बीच, अच्छी बातों के बीच हम यीशु के लिए कई बड़े बड़े दावों को करते हैं. So when we examine our lives in the past, और जब हम अपने जीवनों को भूतकाल में देखकर जांचते और परखते हैं, we also will remember moments and times when we have forgotten what we promised and what we claimed and we have failed. और हम उन बातों को भी याद करते हैं जो इन बातों में हम असफल हो चुके हैं और इन बातों का दावा हमने किया था. And even when we were unfaithful, और जब हम अविश्वासी योग्य थे, God remained faithful. परमेश्वर फिर भी विश्वासी योग्य बना रहा. My friends, that's the only reason you and I are still in the faith. और मेरे मित्रों, वही कारण है जिसकी वजह से आप और मैं अभी भी विश्वास में बने हुए हैं. And thirdly, और तीसरी बात, we also learn from this incident. हम इस घटना से ये भी देखते और जब समझते हैं, the power of our decision, कि हमारे चुनाव में क्या शक्ति है, and the power of our words, और हमारे शब्दों में क्या शक्ति है, and the power of our choices, और हमारे चुनावों का क्या सामर्थ्य है. Why it is they are so powerful? और क्यों वो इतने सामर्थी हैं? By these we are influencing people around us. क्योंकि इनके द्वारा हम अपने इर्द-गिर्द लोगों पर प्रभाव या छाप छोड़ते हैं. Do you know each one of us we are influencing somebody every day. क्या आपको पता है कि हम में से हर एक किसी ना किसी को प्रतिदिन प्रभाव डालता है. How? कैसे? By the words we utter. जिन शब्दों को हम बोलते हैं. By the acts we do. जिन कार्यों को हम करते हैं. And by the choices we make. और जिन चुनावों को हम करते हैं. Peter should have realized that his choice would influence the rest. और पतरस को इस बात को समझना कि उसका चुनाव दूसरों पर भी एक प्रभाव को डालेगा. The moment of doubts and fears and uncertainties, he just gave up and he told these six other disciples who were standing there, hey fellows, I am going back to fishing. और जब ये कई सारे क्षण डर, संदेह और निराशा के आए, तब उसने उन चेलों को वहां खड़े हुए देखा और पतरस ने कहा, मैं तो फिर से मछली पकड़ने जा रहा हूं. And look at the impact of what that simple sentence Peter told. और देखिए कि कैसे उस छोटे से वाक्य ने सारे चेलों के ऊपर एक प्रभाव को डाला. They were not remembering the promises Jesus made. और वो उन वादों को भूल गए जो प्रभु यीशु मसीह ने किया था. They forgot the scriptures. और वो वचन को भूल गए. And what prophets have foretold concerning Jesus. और भविष्यवक्ताओं ने जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहले ही भविष्यवाणियां कर दी थी. Jesus himself reminded them very often by the words of the prophets that these things must happen to him. और यीशु ने भी कई बार उन्हें इस बात को याद दिलाया नबियों की पुस्तकों से कि कैसे इन चीजों का होना अनिवार्य था. And that simple sentence of Peter, who is slowly backsliding, influenced all of them, all six of them, and they said, "We will go with you." और उस छोटे से वाक्य ने जो पतरस ने कहा कि मैं दोबारा मछली पकड़ने जाऊंगा, उसने बाकी छह चेलों पर भी प्रभाव डाला और उन्होंने कहा हम भी तेरे संग चलेंगे. So keep this thing in mind. तो इस बात को कृपया अपने मन में रखें. You are a believer. आप एक विश्वासी हैं. You are a follower of Jesus. आप प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं. And you have made promises to Jesus. और आपने प्रभु यीशु मसीह से वादे किए हैं. And as a follower of Christ, और प्रभु यीशु मसीह का एक अनुयायी होते हुए, we need to influence others. आपको दूसरों पर एक प्रभाव डालना But है. How? कैसे? Therefore, be careful what words you use. इस प्रति आप ध्यान बनाएं कि जिन शब्दों का प्रयोग आप करते what decisions you make. जो निर्णय या चुनाव आप लेते हैं And what choices you make. और जो चुनाव आप अपने जीवनों में People करते are हैं. Watching. क्योंकि लोग आपको देखते And by हैं these, they are influenced. और इनके द्वारा वो आपसे प्रभावित होते हैं. And so, और इसलिए, are you influencing people positively or negatively? क्या आप लोगों के ऊपर सकारात्मक रूप से प्रभाव डाल रहे हैं या नकारात्मक रूप से? For good or for bad? क्या अच्छे के लिए या बुरे के लिए? So as
Christians. और इसलिए मसीही होते हुए. We need to be very careful about our words that we use and choices we make and the actions we do. और इसलिए एक मसीही होते हुए जिन बातों को हम बोलते हैं, कैसे हम चीजों को करते हैं और कैसा हमारा व्यवहार है, ये बहुत महत्वपूर्ण है. By his one single action, he misled the rest of the disciples. उसने अपने एक छोटे से वाक्य के द्वारा बाकी चेलों को गलत स्थान पर ले आया. Once a year we observe Mother's Day. और साल में एक बार हम मातृ दिवस को मनाते हैं. Then Father's Day and Teacher's Day. पिता का दिन या उसके बाद शिक्षक दिवस. We appreciate these people. हम इन लोगों का सराहते हैं. These personalities. इनके व्यक्तित्व को सराहते हैं. But I have one exhortation to all of you mothers and teachers and fathers. और लेकिन मेरे पास एक ऐसा वचन है आप सभी माता पिताओं और शिक्षकों के लिए. As without them, we would not be what we are today. और क्योंकि उनके बिना हम वैसे नहीं हो पाएंगे जैसे हम आज के दिन हैं. This is my exhortation to all of you. और इसलिए आपके लिए ये वचन मैं देता हूँ. Your decisions, choices, and words are going to influence your children. याद रखिए आपके चुनाव, आपके रवैया, आपका व्यवहार आपके बच्चों पर प्रभाव डालेगा. As parents, और माता पिता होते हुए, not only just a father and mother to the children, आप ना केवल सिर्फ माता पिता हैं बच्चों के लिए. You know that you are the first teachers from whom they will learn things that will remain with them the rest of their life. क्या आप इस बात को समझते और जानते हैं कि आप वो पहले शिक्षक हैं जिनसे वो बच्चे सीखेंगे और जानेंगे. Your words can either build their faith and character or destroy their faith and obtain a bad character. और आपका विश्वास या आपका चरित्र या तो उन्हें एक अच्छे चरित्रवान बच्चों के रूप में तैयार कर सकता है या तो उनके व्यक्तित्व चरित्र का नाश कर सकता है. They will form an image of God when we say, when we teach them that God is our heavenly father. और वो परमेश्वर की उस दृश्य को अपने मन में लेकर के चलेंगे जब हम उन्हें सिखाएंगे कि वो पिता, वो परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है. What picture comes first in their mind about God? और कौन सी वो दृश्य उनके मन में पहले आता है परमेश्वर को लेकर? Immediately they will think of the father's image. वो तुरंत ही उस पिता के दृश्य को देखेंगे. How he speaks. कैसे वो देखता, कैसे how, वो बोलते हैं. How he loves them. हाँ, कैसे वो उनसे प्रेम रखते हैं. Or harsh. या वो सिद्ध कठोर शक्त हैं. All the time with a long face and angry. और हमेशा एक लंबा मुंह लेकर उनसे गुस्सा है. So how you behave, how you talk to them will influence and that will give them either a correct picture of God or absolutely the opposite of a very wrong picture of God. और कैसे आप उनके सामने व्यवहार करते हैं, खुद को दिखाते हैं, ये उन्हें दिखाएगा एक परमेश्वर की सही चरित्र को या एक गलत चरित्र को. They form images of God the Father by seeing and listening to you. और वो परमेश्वर पिता की एक छाप, एक दृश्य को अपने मनों में बना लेते हैं आपको देखने के द्वारा. If you are unreasonable, और अगर आपके पास बातों को करने का कारण नहीं है, and harsh, और आप कठोर हैं और आप जो है and cruel, और दुष्टता करते हैं, and then teach your children, और उसके बाद बच्चों को सिखाते God is our heavenly father, कि परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है. What image you will plant in their mind. तब कौन से दृश्य को आप उनके मनों में तैयार कर रहे हैं about God. परमेश्वर के लिए. Your children are in your hand. आपके बच्चे आपके हाथों में हैं. He is a child is a perfect human being. और याद रखिए एक बच्चा एक सिद्ध मानव है. Is God's child. और वो परमेश्वर का बच्चा है. And God is depending on you to build them up and be strong followers of Jesus. और परमेश्वर तो आप पर पूरी जिम्मेदारी दिए हुए है कि आप उन्हें प्रभु यीशु मसीह में एक मजबूत विश्वासी के रूप में तैयार करें. So what image you plant in your children and your heavenly father. और किस लिए आप अपने बच्चों के मनों में उस स्वर्ग पिता की कैसे दृश्य या छाप को छोड़ते हैं.
think about it. इस बारे में सोचे. And we will continue this on Thursday. हम इस अपने इस मनन को जारी रखेंगे अगले बृहस्पति को. And for today. और आज के लिए. May the Lord help us that what we speak, what we decide, and what we choose will be pleasing to God, and thus the children will have a great faith and love for God whom you follow. और इसलिए होने दे हम जैसे चुनाव करते हैं किस प्रकार के प्रभाव को डालते हैं वो अच्छा और वो भक्तिपूर्ण हो ताकि हमारे बच्चों के मनों में परमेश्वर को लेकर एक सही दृश्य बने और उनका विकास हो. Holy Spirit, और हमारे स्वर्गीय आत्मा we all need your fullness and your blessing. हम सबको तेरी परिपूर्णता और आशीष की आवश्यकता है. All around us there are people. हमारे इर्द गिर्द चारों ओर लोग मौजूद हैं. Our family people, हमारे परिवार के लोग, our relatives, हमारे लोग, and our friends, हमारे मित्र, our colleagues, हमारे संग कार्य करने वाले, people are around us. हमारे संग ये सारे लोग हैं. And by our behavior, by our words and actions and decisions, we are showing them some pattern and we are influencing them. और हम अपने प्रभाव अपने चरित्र और जैसे चुनाव करते हैं उनके द्वारा हम उन्हें कुछ बातों को दिखा रहे हैं. So Lord, इसलिए परमेश्वर, we don't want to present a negative bad picture of God to our children, our friends, our people. हमें अपने बच्चों अपने नाते रिश्तेदार और जिन लोगों को हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के गलत दृश्य को नहीं प्रस्तुत so, करना. fill us with your spirit, और इसलिए अपनी पवित्र आत्मा से हमें भर दे. And the spirit to possess us, और वो आत्मा जो हम पर अपना कब्जा कर ले. Because whatever possesses us will control us. क्योंकि जो बात हम पर अपना नियंत्रण रखेगी वो हमारा मार्गदर्शन करेगी. We want to be controlled by the Holy Spirit. और हम चाहते हैं कि तेरा पवित्र आत्मा हमारा नियंत्रण करे. That we may convey and present a very positive, encouraging image of our God and our Savior. ताकि हम एक बड़ी सकारात्मक और सामर्थ्य दृश्य को हमारे परमेश्वर के प्रस्तुत करने पाएं. And thus let your name be glorified. और उसके द्वारा तेरे नाम को महिमा मिले. Amen. Amen. God bless you, my friends. This is a great day, and live and enjoy the love of God. परमेश्वर आप सबको आशीष दे मेरे मित्रों और एक नया दिन है इसमें आप परमेश्वर की महिमा के लिए जिए और उससे प्रेम रखें.